कभी किसी को रोक हुआ? जब भी चाहे ईद की नमाज हो चाहे बकरीद हो, सरकार सुरक्षा देती है, सुरक्षा का ख्याल रखती है, हर धर्मों का ख्याल रखती है। अब नवरात्रि में दुर्गा पूजा नहीं होगा, हर कीर्तन नहीं होगा, तो नमाज तो होगी नहीं, तो नमाज के लिए मनाही तो है नहीं कि आप नमाज मत पढ़िए। वो तो स्वतंत्र हैं लोग, और सरकार सभी धर्मों का ख्याल रखती है। ऐसा नहीं कि सरकार एक धर्म को बढ़ावा दे रही है। विपक्ष लेकिन लगातार है कि कहीं ना कहीं दूसरे धर्म को बराबरी का हक नहीं मिल पा रहा है। विपक्ष जब रहा है तो वो क्या किया है, वो अपने गृहबान में झांक के देखे तब उसको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया है। एक और बड़ा अहम सवाल है सर, बहराइच में बुलडोजर एक्शन होने जा रहा है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू होने जा रहा है बड़ा एक्शन, जिसमें कई दुकान और मकान गिराए जाएंगे। बताया जा रहा है कि मानक नहीं पूरे हैं, उनमें जो है जो मानक है वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पाने की वजह से बुलडोजर का बड़ा एक्शन किया जाएगा। देखिए, न्यायालय का आदेश है, न्यायालय के आदेश पर वो गिराया जा रहा है, तो उसमें कोई क्या कर सकता है? न्यायालय के आदेश का पालन करना सरकार का काम होता है, तो सरकार न्यायालय के आदेश का पालन करके गिरा रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार और मुख्यमंत्री बुलडोजर के ही नाम से जाने जाते हैं और वो विध्वंस के ही नाम से जाने जाते हैं, और वो जब विध्वंस करते हैं तो जब लोग उन्हें बुलडोजर बाबा कहते हैं तो उन्हें बड़ी खुशी होती है कि वो विध्वंस के बाबा हैं, बुलडोजर ही। कल तक समाजवादी पार्टी को लोग माफियाओं गुंडों की सरकार कहते थे, तो उस बात को तो वो नहीं समझ पाते हैं कि हमारी सरकार को लोग क्या कहते थे। अपराधी माफिया छोटा सांड की तरह घूमते थे, थाने पर FIR नहीं होने देते थे, वही चीज़ यहाँ चाहते हैं। ये कानून का राज है, NDA की सरकार है, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। यहाँ कानून के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानून की ही एक कार्रवाई का सिला जारी है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि पहले यादव, फिर ठाकुर, फिर मुसलमान और आज फिर कुशीनगर में जो फर्जी नोट पकड़े गए थे उसमें एक आरोपी को पकड़ने के दौरान पैर में गोली मार दी गई, मुस्तकीम नाम बताया जा रहा है आरोपी का, तो फिर से एक इनकाउंटर की कार्रवाई और फिर से तमाम तरह के सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष के पास दूसरा कोई सवाल है नहीं सिवा झूठ बोलने के। या तो उनको पता हो कि कौन लोग फर्जी काम करते हैं तो उनको बता देना चाहिए कि ये फर्जी लोग हैं, इनको पकड़िए। अगर पुलिस जांच पड़ताल करके पकड़ रही है, नकली नोट पकड़े जा रहे हैं, फर्जी लोग पकड़े जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत समाजवादी पार्टी को होती है, क्योंकि हर केस में वो इन्वॉल्व हैं। चाहे अयोध्या में केस समाजवादी पार्टी, कन्नौज केस समाजवादी पार्टी, मऊ के समाजवादी पार्टी, अभी फिर दो समाजवादी पार्टी के नेता आ गए, तो हर जगह ये समाजवादी पार्टी के लोग ठीका लिए हुए हैं गलत काम करने का। तो इसको वो जानते हैं बेहतर, तो अगर जो गलत है तो उनको बता दें कि एक सूची जारी कर दें कि ये लोग अपराधी हैं, ये लोग नोट छापते हैं, ये लोग ऐसे करते हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए। उनको जो जानकारी है तो उसकी सूची जारी कर दें। समाजवादी पार्टी इस पर कहती है कि हम सत्ता में नहीं है, सरकार हमसे बदले की भावना के साथ, हमारे नेताओं के साथ इस तरह की चीजें कर रही है, हमको फंसाया जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि कन्नौज में जो यादव फंसाया गया वो गलत था, उसकी DNA टेस्ट हो जाए, तो DNA टेस्ट पे तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? उसके बाद उसकी बोलती बंद हो गई है। अभी जब मदरसे के लेकर के चिल्लाते हैं, जब इलाहाबाद में नकली नोट छापने का काम मदरसे में पकड़ा गया तो उसको भी फर्जी बताते हैं। तो ये बतावें कि कहाँ नकली नोट छापे जाते हैं, वहीं छापा मारा जाए, अगर इन लोगों को पता है तो। एक आखिरी सवाल रहेगा, बड़ा आदेश जारी करा, इससे पहले भी कांवड़ यात्रा के समय पे ये बात कही गई थी, अब फिर कही गई है, सोशल मीडिया पे आए दिन वीडियो
सामने आते हैं कहीं खाने में थूक देने के, ये इस तरह के तमाम जिसे देख के मन विचलित हो जाए। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ये बात कही कि इस तरह के लोगों पर कठोर कार्रवाई हो, सभी रेस्टोरेंट में CCTV लगे हों, वहाँ काम करने वाले लोगों की सत्यापन किया जाए और साथ ही साथ दुकानों पर अपना नाम लिखना बहुत जरूरी। देखिए, सरकार की मंशा है कि कहीं कोई गलत काम ना हो, कहीं अनर्गल अगर लोग संविधान से हट करके कानून से हट के कोई काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उस हिसाब से ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए, ऐसे लोगों के खिलाफ जानकारी हासिल करने के लिए इस तरह की हरकत लोग ना करें, इसके लिए ये चीज़ व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने लाया है और अच्छा कदम है ये कि कम से कम लोगों को संज्ञान में भी तो रहेगा कि नहीं हम अगर गलत करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे।